Hello guys, so here we are with the next video that is basically upon boilers. Okay, so today in this lecture we are going to discuss about boilers. What exactly is boiler and how many types of boilers are available in the market? So we are going to start with the first one, that is the definition of boiler. So boiler basically is a thing that is used to boil the water to produce steam. So it is a closed vessel in which the fluid, which is generally water, is heated up to a high pressure steam. ओके तो जब भी आप वाटर को गर्म करते हो उसको आपको स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. क्लियर? तो जहाँ कहीं भी आपको स्टीम हाई प्रेशर पे या फिर लो प्रेशर पे, ये जिस भी फॉर्म में आपको रिक्वायर्ड है वो कन्वर्ट करने के लिए वी यूज़ अ बॉयलर. सो बेसिकली वी कैन से इट इज़ अ क्लोज वेसल विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द वाटर इंटू हाई प्रेशर स्टीम. सो इफ वी टॉक अबाउट द बॉयलर्स, वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इट, but the most important classification, or if we talk about the different types of boiler, clear, types of boiler, so we have different types of it, but the main classification of the boiler basically depends upon whether they are fired tube boiler, whether they are fired tube boiler or they are water tube boiler. Clear? सो बेसिकली इसका जो नाम है वो जिस तरह की इसकी वर्किंग है उसके बेसिस पे इसको इसका नाम दिया गया है. सो फर्स्ट क्या है? फायर ट्यूब बॉयलर. सो अगर आपकी जो ट्यूब है, क्लियर, ट्यूब के अंदर आपके पास क्या है, हॉट गैसेस या फायर आपके पास ट्यूब्स के अंदर है और सराउंडिंग में क्या है, उसके वाटर है. सो हॉट गैसेज और द फायर इज बेसिकली प्लेस इनसाइड द ट्यूब्स और पानी जो है, वाटर जो है, वो उसको सराउंड कर रहा है ट्यूब्स को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फायर ट्यूब. तो अगर ट्यूब्स में फायर है तो वो क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर है, उसके बेसिस पे इसको उसका नाम दिया गया है. और सेकंड क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर. तो अगर ट्यूब्स के अंदर क्या है, इफ द वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब्स और जो हॉट गैसेस हैं या फायर है वो सराउंड कर रहा है उन ट्यूब्स को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर. तो यहाँ पे आपके पास तीन डायग्राम्स हैं, दो किसकी हैं, बोथ आर शोइंग फायर ट्यूब बॉयलर एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर. सो एज यू गाइस कैन सी ओवर हियर इन द वाटर ट्यूब बॉयलर आपके पास क्या है, यहाँ पे यू गाइस कैन सी. तो ये जो आपकी डायग्राम है ये वाली, ये किसकी है, वाटर ट्यूब की है. सो दिस इज फॉर द वाटर ट्यूब. तो इसमें आपके क्या देख रहे हो, यहाँ से आपका पानी जा रहा है ऊपर की ओर. तो ट्यूब्स के अंदर क्या है, वाटर है और यहाँ पे बाहर क्या निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है. सो दिस इज माई वाटर ट्यूब बॉयलर एज यू गाइस कैन सी इन द पिक्चर. तो फर्नेस के अंदर क्या है, फायर है, हॉट ट्यूब्स हैं, बट वो जो फायर हैं या फिर हॉट गैसेस हैं वो ट्यूब्स के बाहर हैं, ट्यूब्स के अंदर क्या है, पानी है. तो अगर ट्यूब्स के अंदर पानी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए वाटर ट्यूब बॉयलर. सेकेंडली अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ट्यूब के अंदर क्या है, फायर है, हॉट गैसेज हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर ट्यूब्स के अंदर क्या है, फायर है या हॉट गैसेज हैं और सराउंडिंग में क्या है, वाटर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर. दिस डायग्राम जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रही है ये भी किसकी है, फायर ट्यूब की है, बिकॉज दिस इज द फर्नेस. फर्नेस से ट्यूब्स में क्या जा रही है, फायर, हॉट गैसेस जा रही हैं. तो हॉट गैसेस कहाँ पे हैं, फ्लू गैसेस कहाँ पे हैं, ट्यूब के अंदर हैं और बाहर क्या है, ये वाटर है. तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, स्टीम आउटलेट पे बाहर जा रहा है, अंदर क्या था, पानी था. तो जहाँ पे ट्यूब्स के अंदर पानी है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ट्यूब. जहाँ पे ट्यूब्स के अंदर क्या है, फायर है, हॉट गैसेज हैं, फ्लू गैसेज हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर्स. उसके बाद क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर. तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से बॉयलर जो हैं वो क्या हैं, फायर ट्यूब बॉयलर हैं, तो आपके पास जितनी भी आपके पास लोकोमोटिव के होते हैं बॉयलर्स, लोकोमोटिव में जो हम बॉयलर यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव बॉयलर्स. सो लोकोमोटिव बॉयलर्स एज वेल एज यू कैन से कॉकरन बॉयलर्स. कॉर्निश बॉयलर्स, कॉर्निश बॉयलर्स, इसके अलावा लैंकशायर बॉयलर्स, लैंकशायर, ये सारे क्या हैं, ये बॉयलर्स के नाम हैं जो कि अवेलेबल हैं. और ये सारे के सारे क्या हैं, फायर ट्यूब बॉयलर्स हैं. इट मीन इन सारे बॉयलर्स में ट्यूब के अंदर क्या होता है, फायर होती है और बाहर क्या होता है, वाटर होता है. वहीं मैं अगर बात करता हूँ वाटर ट्यूब बॉयलर की, तो इसके आपके पास जो मेन क्लासिफिकेशन आएंगी वो किसकी आएगी, फर्स्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज लामोंट बॉयलर. लामोंट के बाद वी हैव बेंसन बॉयलर्स,
Okay. Then we have Stirling boilers. And then very important, that is called Wabco and Wilcox boiler. Wabco and Wilco boilers. ये सारे क्या हैं? They are basically classifications of what? Water tube boiler. So if somebody asks, what is Cochrane boiler? We will say Cochrane basically is a fire tube boiler. तो इसके नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का boiler है वो. Secondly, अगर हम बात करते हैं difference की, तो अगर हम बात करें starting with the fire tube boiler, तो जो maximum pressure की limit जो possible है, it means अगर आप water को convert करते हो steam में, तो मैक्सिमम प्रेशर जो आप अचीव कर सकते हो इन द फायर ट्यूब बॉयलर वो क्या है, प्रेशर अप टू मैक्सिमम 20 बार कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ एन फायर ट्यूब बॉयलर. बट इफ वी टॉक अबाउट द वाटर ट्यूब बॉयलर, प्रेशर अप टू 100 बार. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए स्टीम का, जहाँ भी उसको आपने यूज़ करना है, सप्लाई करना है, उन केसेस में वी ऑलवेज गो विद द वाटर ट्यूब बॉयलर. सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन, तो फायर ट्यूब बॉयलर में बिकॉज ट्यूब्स के अंदर क्या है, फायर है, बाहर क्या है, वाटर है, तो इसकी जो स्टीम जनरेशन कपैसिटी है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं उसको, अगर आपके पास स्टीम प्रोडक्शन की जो रेट है, स्टीम प्रोडक्शन रेट जो आपके पास है इज लो, और वी कैन से लेस एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर. सो वी कैन से दैट दे हैव हाई स्टीम प्रोडक्शन रेट. नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस है फायर ट्यूब में वाटर ट्यूब में, वो बेसिकली डिपेंड करता है एफिशिएंसी के ऊपर. सो ऑब्वियसली सिंस इन द फायर ट्यूब बॉयलर प्रेशर भी आप कम कर पा रहे हो, प्रोडक्शन रेट भी कम है, उसका रीज़न क्या है, वर्किंग जो है उसकी फायर ट्यूब की कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू द वाटर ट्यूब बॉयलर. सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट एफिशिएंसी ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर एफिशिएंसी इज लेस देन द वाटर ट्यूब बॉयलर. सो वी कैन से efficiency is more for a water tube boiler as compared to a fire tube boiler. Other than that, अगर हम बात करें space की, तो अगर आपके पास दो boilers हैं, एक fire tube है और एक water tube है, और आपको same power के लिए उनको produce करना है, तो we can say अगर आपके पास same power है, for a given power the fire tube boiler will occupy more space. So it will basically occupy more space is required. But in case of fire tube, water tube, we can say they will occupy less space is required for a given power. जनरली जो हम पावर निकालते हैं बॉयलर्स की, वो हम किस में निकालते हैं, वो हम निकालते हैं एचपी में. बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, होस पावर्स. तो हम बॉयलर्स को होस पावर्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं. तो हम अगर बात करें कि अगर आपके पास एक प्रेशर गिवन है, पावर आपको गिवन है कि आपने कितनी पावर का बॉयलर आपको जनरेट करना है, या फिर कितनी आपको पावर चाहिए जहाँ पर आप बॉयलर को यूज़ करने वाले हो, उसके बेसिस पे जो एक फायर ट्यूब बॉयलर है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू ए वाटर ट्यूब बॉयलर. नेक्स्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, कि अगर आपके पास लार्ज पावर प्लांट है, सो फॉर लार्ज पावर प्लांट वी ऑलवेज गो विद व्हाट, फॉर वाटर ट्यूब बॉयलर. तो जहाँ कहीं भी हम यूज़ कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लार्ज पावर प्लांट्स. तो जहाँ कहीं भी आपके पास लार्ज पावर प्लांट्स हो गए, वहाँ पे हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, वी विल गो विद द वाटर ट्यूब बॉयलर्स. इसके अलावा हम बात करते हैं शेल डायमीटर की. शेल डायमीटर बेसिकली क्या होता है, ये जो आपकी ट्यूब्स यहाँ पे हैं जिनके थ्रू
वाटर फ्लो कर रहा है या फिर आपके पास गैसेस फ्लो कर रही हैं, इनका जो डायमीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेल डाया। तो बेसिकली होता क्या है कि जो शेल डाया रिक्वायर्ड होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है किसके लिए, फायर ट्यूब बॉयलर के लिए। सो वी कैन से दैट फायर ट्यूब बॉयलर बेसिकली नीड लार्ज शेल डाया, लार्ज शेल डायमीटर। बट फॉर वाटर ट्यूब बॉयलर वी कैन से दैट दे नीड स्मॉल शेल डायमीटर। सो दैट इज वाई वी से दैट वाटर ट्यूब बॉयलर जो हैं वो कम डायमीटर में भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तभी उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर। ऑल्दो बॉयलर्स को क्लासिफिकेशन करने के बहुत से बेसिस हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर, ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन, बट डिपेंडिंग अपॉन हाउ द वाटर और द फ्लू गैसेज आर फ्लोइंग वी कैन से इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, फायर ट्यूब बॉयलर एज वेल एज वाटर ट्यूब बॉयलर। सो दैट इज इट फॉर टूडे। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।